गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये है, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। हमें कुछ रैशनल नंबर्स के पेयर गिवन हैं जिनमें हमें वहां पर आइडेंटिफाई करना है कि विच इज ग्रेटर। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें कि हमें नंबर्स को कंपेरिजन करने के लिए पहले भी हम बात कर चुके हैं कि हमें अगर वहाँ पर सेम साइन है तब तो हम देखेंगे कि नंबर का वैल्यू उसे रिप्रेजेंट करेगा कि विच इज ग्रेटर। बट यहाँ पर देखेंगे एक फर्स्ट वन पॉजिटिव है, सेकंड वन नेगेटिव है, तो फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव नंबर होता है वो ग्रेटर देन होता है नेगेटिव नंबर से। ये तो क्लियर है, मीन्स एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव जो होगा वो ग्रेटर होगा। अब हम बात करते हैं दोनों सेम साइन की, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में तो जो नंबर की वैल्यू ग्रेटर होगी वो ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, बट हम देखें कि जब दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है लाइक दैट -2 and -3, तो यहाँ जस्ट अपोजिट चलता है। कैसे अपोजिट चलता है कि हम जनरली देखते हैं कि 2 और 3 को कंपेयर करते हैं तो 3 ग्रेटर है, बट इन अ नेगेटिव जब दोनों नेगेटिव साइन है तो जो नंबर हमारी पहले हम जिसे पॉजिटिव के केस में देखते थे वो देखते थे कि वो नंबर जो है हमारा ग्रेटर है, वो यहाँ जस्ट अपोजिट होगा, वो यहाँ पर लेस वैल्यू होगी और जो स्मॉलर पहले पॉजिटिव के केस में चलता था वो यहाँ पर ग्रेटर होगा। मीन्स -2 is greater than -3, इतना हमें ध्यान रखना है। हम देखते हैं इसी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ का ई क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है -9/14 और 0। हम अगर देखें इसे कंपेयर करते हैं कि 0 and -, तो ऑब्वियसली वी नो दैट 0 is greater than 2 negative numbers। हमने नंबर लाइन पर भी देख चुके हैं कि जो 0 होता है वो सेंटर ओरिजिन होता है, ये हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं, और पॉजिटिव जो होते हैं वो सारे ग्रेटर देन होते हैं किससे, 0 और -नंबर से। इतना क्लियर है। अब हम देखें कि यहाँ पर -9/14 और 0, तो वी कैन से दैट 0 is greater than -9/14, मतलब हमारा 0 जो है वो ग्रेटर नंबर होगा किससे, -9/14 से। और हम देखते हैं सेकेंड आपका सिमिलर है, थर्ड भी आपका सिमिलर है, ये आप लोग खुद से ट्राई करने वाले हैं। अब देखते हैं हम डी जो है हमारा डी -1/2 और -1। तो अब हम बात करते हैं कि पहला तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के केस में तो हम इजीली वहाँ कंपेयर कर पा रहे थे, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो हम कैसे पता चलेगा, हमें कैसे हम उस चीज़ को जज करेंगे कैसे कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। तो हमने पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि जो नंबर स्मॉलर होगा इन मीन्स विदाउट साइन, हम यहाँ साइन को रिमूव करके देखते हैं, साइन को हटा देते हैं और चेक करते हैं, मीन्स 1/2 और 1 में हम देखें तो 1/2 जो होता है वो स्मॉलर होता है, बट इन नेगेटिव जब दोनों नेगेटिव साइन होंगे और वहाँ कंपेरिजन कर रहे हैं तो जो हमारा ग्रेटर पहले होता था वो यहाँ स्मॉलर का काम करेगा। मीन्स यहाँ पर वैल्यू जो है वो -1/2 greater than होगी किससे, -1 से। मीन्स -1/2 is greater than 2 -1। और एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ई है जो हमारा -9/7 और -6/7। अब हम देखते हैं कि ये रैशनल नंबर है, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा पूरा वैल्यू डिपेंड करेगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, 7/7 है। अब यहाँ भी दोनों नेगेटिव साइन है, तो हम यहाँ देखते हैं कि 9 जो है वो जनरली ग्रेटर नंबर होता है कंपेयर टू 6 के, बट दोनों नेगेटिव है तो अपोजिट चलेगा, अपोजिट चलेगा मतलब -6/7 is greater than -9/7। अब यहाँ तो हमने देखा कि कुछ जो रैशनल नंबर थे वो डिपेंड थे साइन पर, फिर कुछ रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर क्या थे, इक्वल थे, बट अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जबकि डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं वहाँ पर हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।